मंथली जो 30 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होती है। आज कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। 2 अक्टूबर से पदयात्रा हर विधानसभाओं में पदयात्रा शुरू होगी। भारत जोड़ो पदयात्रा की तर्ज पर हम हर बूथों में जाएंगे। ये लगभग 3 महीने तक चलते रहेगा और हम हर बूथ में पहुंचेंगे और भारत जोड़ो पदयात्रा का जो उद्देश्य है वो बताएंगे। उसके साथ साथ हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को बताएंगे। इस ढंग से हम लोगों का कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। दूसरी बात, जो अन्य विषय थे उन अन्य विषयों को भी इस कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई है। भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की भूमिका और ये निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिस बात की सहमति दी थी, 2 अक्टूबर से हम औपचारिक रूप से इसको छत्तीसगढ़ में प्रारंभ करेंगे और प्रत्येक जिले को, प्रत्येक ब्लॉक कांग्रेस को, प्रत्येक मंडल को, प्रत्येक सेक्टर को, प्रत्येक बूथ को ये जिम्मेदारी रहेगी कि हर पोलिंग बूथ में भारत जोड़ो यात्रा के साथी प्रतिनिधि हर घर में पहुँचे, हर गांव के हर घर में पहुँचे और उनसे तारीख मांगी गई है कि आप अपना कार्यक्रम लगभग फरवरी के पहले दूसरे हफ्ते तक भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। इस दरमियान राज्य के लगभग 24,000 मतदान केंद्रों में प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रत्येक घर में साथियों को पहुंचना है। की टीम हम लोग प्रस्ताव कर रहे हैं कि अगर अनुमति मिल गई तो मध्य प्रदेश में जब यात्रा चलती रहेगी तो वहां हमको 3 दिन का समय, 3 से 5 दिन हर राज्य को दिया जा रहा है जहां यात्रा नहीं गुजर रही है, तो 3 से 5 दिन हमको वहां दिया जाए।